नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक हैं मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। मोहम्मद इकरार आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत सदस्य। जन जन की यही पुकार, मोहम्मद इकरार अब की बार। मोहम्मद इकरार को जिताना है, क्षेत्र में विकास कराना है। मोहम्मद इकरार को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। धामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, धामपुर नगर का हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। आपको बताते चले कि मुखबिर की सूचना पर धामपुर पुलिस ने धामपुर सेवहारा मार्ग पर काशीराम आवास कॉलोनी छापा मारकर धामपुर नगर के मोहल्ला बंदूक चियान निवासी वसीम गलकटा को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अनित कुमार पूर्वी एसपी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर वसीम गलकटा एक शातिर किस्म का अपराधी है। इस शातिर बदमाश पर जनपद बिजनौर में लगभग 19 मुकदमे दर्ज हैं। आज मुखबिर की सूचना पर धामपुर पुलिस ने धामपुर सेवाराम मार्ग पर बनी काशीराम आवास कॉलोनी से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 4 अदद तमंचा, 12 बोर, 6 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर मय शस्त्र बनाने के उपकरण लोहा, नाल अर्ध बने 12 बोर के 5000 दे नाल लोहा और अर्ध बने 15027 नाल, 6 अदद बॉडी ड्रिल मशीन, 510 फायरिंग पिन, करीब 40 अदद बरामद शुदा अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। इसका काफी लंबे समय से आपराधिक इतिहास धामपुर थाने में दर्ज है। बिजनौर से सलमान की रिपोर्ट। इसरार चौहान ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार, गांव आसिफाबाद चंदपुरा, गांव में विकास कराना है, गांव को उज्जवल बनाना है, हमारा संकल्प आपका सहयोग। इसरार चौहान को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। धामपुर नगर क्षेत्र का एक इंस्टीट्यूटर वसीम गलगट पकड़ा है, क्या कुछ कहना है सर? आज सुबह लगभग 2 बजे के करीब ये थाना धामपुर पुलिस ने वसीम गलकटा को काशीराम आवास कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 तमंचे अवैध और 14 अर्धनिर्मित तमंचे मिले हैं। साथ ही तमंचे बनाने के पूरा फैक्ट्री का सामान, नाल वगैरह, ये सब से बरामद हुई है। ये जो हिस्ट्री शीटर, ये हमारे धामपुर का हिस्ट्री शीटर है, इसकी संख्या 5A है और ये फिलहाल माननीय कोर्ट से इसके खिलाफ वारंट लिए थे, इसमें ये वारंट चल रहा था। इसके विरुद्ध पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में 19 मुकदमे अभी तक पंजीकृत हुए हैं। इसका मुख्य अपराध करने का तरीका तमंचे दिखाकर पशु लूटने का है। इसके विरुद्ध पैतपुर में भी गुंडा गैंगस्टर आदि के जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। खबरों में अब तक के लिए बस अपना आगे मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।